हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टू लर्न एंड फन। आज हम बैकग्राउंड इमेज के ऊपर और एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू पिक्चर्स। ओके फ्रेंड्स, टू पिक्चर्स इन द सेंस, सी दिस इज पिक्चर नंबर वन, ये हम बैकग्राउंड में अप्लाई करेंगे, एंड दिस इज पिक्चर नंबर टू, ये भी हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड में। सो दोनों पिक्चर एक साथ, दोनों इमेजेस एक साथ बैकग्राउंड में किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर टाइप किया हुआ है। ओके, बैकग्राउंड इमेज टू, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा रहेगा तो उसके अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज किया था, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। एंड आज हम दो पिक्चर्स के साथ बैकग्राउंड में अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने पी टैग ओपन किया है, पी टैग के अंदर जो है ना मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ओके, एंड पी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने HTML में ज्यादा कुछ मैंने टाइप नहीं किया है, सिर्फ एक पी टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्योंकि हमें वहां पे कॉन्टेंट चाहिए। से यहाँ पे इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है, ये जो पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ है उसका आउटपुट इस तरह से आ रहा है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, CSS में जाएंगे, एंड CSS में हम जो भी हमें क्लास ओपन करना है उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं एक क्लास ओपन कर रहा हूँ, उसका नाम दे देता हूँ रूबी, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज बैकग्राउंड इमेज। जो हम बैकग्राउंड इमेज हम कॉल करने वाले हैं वो हम कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, जैसे कि हमें दो इमेज चाहिए। ओके, सो दो इमेज हम URL से कॉल करेंगे। ओके, URL से कॉल करना है। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास दो पिक्चर्स है, फ्लावर एंड पेपर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फ्लावर .jpg। ओके, एंड सेकेंड पिक्चर जो है ना उसे हम ओपन करेंगे, बट यहाँ पर एक कॉमा देके। ओके, फिर से URL टाइप करेंगे एंड अंदर दूसरी इमेज का पाथ हम देंगे, पाथ मीन्स उसका नाम देंगे, उसका नाम है paper1.jpg। ओके, फ्लावर वन है, यहाँ पे मैंने फ्लावर वन नहीं डाला, यस वन, फ्लावर वन डॉट जेपीजी एंड पेपर वन डॉट जेपीजी। अब हम इसका सेव कर देते हैं, एंड डॉट रूबी करके जो हमने क्लास ओपन किया है उसे हम यहाँ पे HTML में पी टैग के अंदर कॉल कर देते हैं। तो क्लास इक्वल टू रूबी, सेव करते हैं, CSS वाले पार्ट को भी सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पे आके इसका आउटपुट देखते हैं। सी फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और इसके और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज जो है हमें जैसे जिस तरह से चाहिए वैसे नहीं आया है, इसके ऊपर रिपीटेशन हो रहा है और एक ही पिक्चर दिख रहा है, दैट इज फ्लावर। सो यहाँ पे हम और एक एट्रीब्यूट और एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज बैकग्राउंड पोजिशन। सो बैकग्राउंड पोजिशन जो है ना फ्रेंड्स, वो हमें चाहिए दोनों इमेजेस के लिए। सो किस तरह से लेंगे, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि एक इमेज जो है ना वो राइट साइड बॉटम पे आए, दिस साइड। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ राइट नो नॉट राइट लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट साइड बेटर रहेगा, लेफ्ट बॉटम,
जैसे कि हमने जो फर्स्ट जो लिया है दैट इज फ्लावर, ओके, सो इसे हम लेफ्ट बॉटम में लेंगे एंड कॉमा का यूज करेंगे एंड सेकेंड इमेज जो है वो हम लेंगे लेफ्ट टॉप, ओके, एक लेफ्ट बॉटम में आ जाएगा और एक लेफ्ट टॉप के ऊपर आ जाएगा। सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज, ओके, आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें 100% आउटपुट मिल जाएगा तभी आपको प्रॉपरली समझ जाएंगे आप कि क्या यहाँ पे हमने किया है और किस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है, ओके। देन जिस तरह से यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है इस इमेजेस का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, ओके। सो फर्स्ट इमेज जो है ना हमारा दैट इज फ्लावर वाला, सो आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट रिपीट, तो मैं रिपीट नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नो रिपीट लिखूंगा, ओके। एंड सेकेंड वाला जो है ना दैट इज पेपर वाला, पेपर इमेज, सी दिस वन, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट हो जाए, ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिपीट। सेव करते हैं एंड यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, यस, सी इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। और काम करना है इसके ऊपर, जैसे कि जो इमेज जो है वो ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हम पैडिंग का यूज करेंगे, पैडिंग, सो पैडिंग हम देंगे, लेट्स सी 25 पिक्सल देते हैं। सेव करते हैं तो इमेज जो है ना जिसके लिए हमें पैडिंग किसको दिया है, रूबी को, रूबी इज वर्किंग फॉर सी, रूबी इज गिवन टू क्लास बी, ओके, यानी कि पैराग्राफ टैग को दिया हुआ है, तो वो जो तो ये जो पैडिंग जो है वो पैराग्राफ टैग को लगेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश, सी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आउटपुट दिख रहा है आपको, फ्लावर। तो यहाँ पे हम पैडिंग से थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल 75 कर देते हैं, बड़े ज्यादा लगेगी। सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सी फ्रेंड्स, दिख रहा है आउटपुट आपको प्रॉपरली, यस, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश, सी फ्रेंड्स, दोनों इमेजेस हमें यहाँ पे विजिबल है, ओके। आप पेपर जैसा ये जो देख रहे हैं दैट इज एन पेपर बैकग्राउंड एंड यहाँ पे फ्लावर वाला बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है, दिस वन इज पेपर, ओके। तो यहाँ पे और थोड़ा सा पैडिंग को बढ़ा देता हूँ, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, सी फ्रेंड्स, दिस इज द आउटपुट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो हमें मुझे ये पर्टिकुलर आउटपुट मिल गया है बट लिटिल बिट आई एम नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ी सी कम लग रही है। तो यहाँ पे रूबी में हम ऊपर फर्स्ट पार्ट में, हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रूबी को ही वो अप्लाई होगा, बट यार यस, तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज आई वॉन्ट 35 पिक्सल। सेव करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ओ सी, इस तरह से ये आउटपुट आ रहा है, ओके, सी, तो यहाँ पे 35 कुछ ज्यादा हो गया है, 25 कर लेते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, सी फ्रेंड्स, वाओ, दिस इज द आउटपुट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, इस तरह से मुझे चाहिए था ए पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग के ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो पी टैग के अंदर हमने इसे अप्लाई किया है, ओके, पी टैग के अंदर, तो और एक पी टैग अगर ओपन करते हैं विथ डिफरेंट इमेज, डिफरेंट बैकग्राउंड, हमने ये जो बैकग्राउंड दिया है वो हमने सिर्फ पी टैग को दिया है, उसका मतलब क्या है कि अगर हम दूसरा पी टैग ओपन करेंगे यहाँ पर तो हम दूसरा बैकग्राउंड इमेज हम यूज कर सकते हैं। अगर एग्जांपल देखना है या एग्जांपल और एक अगर लेना है तो हम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम ये पी टैग को रिपीट करेंगे,
ओके। और यहाँ पे दूसरी क्लास का यूज करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास रहेगी। या तो एक काम कर सकते हैं, रूबी को सेम रखेंगे, नहीं रूबी को सेम भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लावर एंड पेपर दोनों अलग अलग। मैं चाहता हूँ कि हम इमेजेस को चेंज कर दे, तो इमेजेस को किस तरह से चेंज करेंगे, हमारे पास कोई इमेज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, गूगल से विद द हेल्प ऑफ गूगल विद द हेल्प ऑफ फ्री इमेजेस से यहाँ पर मैं पिक्सल में जाता हूँ, ओके, एंड पिक्सल में जाके हम पेपर इमेज पेपर टेक्सचर वाला इमेज हम यहाँ पे थोड़ा ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। सी इस तरह से बहुत सारे इमेजेस हमें मिल रहे हैं, सो आई थिंक ये वाला लेना चाहिए। सी तो इसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। यस यहाँ पे आ गया है क्योंकि ये पर्टिकुलर इमेज जो है उसकी साइज कुछ ज़्यादा रहती है, सो हम क्या करेंगे, पूरी इमेज को हम नहीं लेंगे, उसका एक पिक ही हम लेंगे इसका। सी इस तरह से ये हेवी इमेज रहती है, तो हमारी साइट के ऊपर जो है ना इसका लोड आता है, तो इसे सेव करते हैं। इसे सेव हम करेंगे वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो अभी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम काम कर रहे हैं दिस वन बैकग्राउंड इमेज टू, ओके। यहाँ पे देखिए पेपर वाला है एंड दिस वन, तो यहाँ पे हम वुड टेक्सचर के लिए वुड डॉट सॉरी डॉट जब भी ये हो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वुड डाल के देखते हैं क्योंकि ये वुड जैसा है इसका टेक्सचर, ओके एंड दैट्स इट। और इसके अंदर हमें अगर कुछ और इमेज चाहिए तो मेरे पास और एक है, दैट वाज रोज वाला, सी दिस वन पिंक रोज, इसे कॉपी कर लेता हूं एंड यहां पर सेव कर देते हैं इमेज टू, यानी कि हम पिंक रोज, ओके ये ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह से हमने ये पर्टिकुलर सेकेंड इमेज को यूज किया है, ओके सेकेंड पैराग्राफ को यूज किया है, यहाँ पर मटेरियल तो हमें मिल जाएगा, सेव करते हैं एंड इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके। यस रिफ्रेश हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ, ओके एंड दिस इज अवर सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में हमने कोई इमेज बैकग्राउंड इमेज को हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, ये सिंपल आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, CSS में जाएंगे, ओके एंड ये जो रूबी जो है इसका, ये जो रूबी नाम का जो क्लास है उसे हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके एंड यहाँ पर फटाफट जो फ्लावर है वहां पे हम नाम दे देंगे पिंक रोज डॉट जेपीजी एंड सेकेंड जो इमेज है उसे क्या नाम देंगे, वुड, ओके वुड डॉट जेपीजी। अब हम क्या करेंगे, एवरीथिंग विल बी सेम, ओके पेडिंग 150, नो रिपीट यहाँ पे लेफ्ट बॉटम लेफ्ट टॉप, ओके एवरीथिंग विल बी सेम, फॉन्ट साइज विल बी 25 और यहाँ पर रूबी जो है उसे निकाल देंगे एंड यहाँ पे हम सोनी सेव करते हैं, सोनी नाम का क्लास यहाँ पर ओपन कर दिया सोनी एंड यहाँ पर HTML में आके ये जो पर्टिकुलर नया पैराग्राफ है, ओके दिस वन वाज अवर फर्स्ट पैराग्राफ और यहाँ पे दिस इज अवर सेकंड, तो यहाँ पे हम क्लास का ओपन करेंगे, क्लास इक्वल टू क्या था सोनी, ओके सोनी वाज अवर क्लास। सी यहाँ पर
यस सोनी। सो यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि CSS है ना, वो कुछ नहीं है, एक तरह की चटनी है। आपको अगर CSS के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, आपको याद रहेगा, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये सब चटनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सब चटनी बना के यहाँ पर HTML में हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। ओके सिंपल अंडरस्टैंडिंग, चटनी जस्ट हम कॉमेडी नेम फॉर CSS, ऐसा मैं मानता हूँ कि वहाँ पे बनाया और यहाँ पे अप्लाई किया, दैट्स इट। सो यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, सी फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ओके फर्स्ट पैराग्राफ है एंड दिस इज आवर सेकेंड पैराग्राफ, सी। ओके सो दोनों पैराग्राफ जो है वो इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे हमने रिपीटेशन मोड लिया हुआ है, ये जो पेपर वाला फॉर्म है ना उसका हमने रिपीटेशन मोड लिया हुआ है, उसके लिए ये प्रॉपरली इतना अच्छा तरीके से आ रहा है, ओके नेचुरल तरीके से। एंड यहाँ पर वुडन का बैकग्राउंड दिया है, इसका भी कुछ अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ओके सो यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर दिस बैकग्राउंड इमेज, जो दो इमेज का हमने एक साथ एप्लीकेशन किया है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। सो फ्रेंड्स साइनिंग ऑफ, अगर आपको ये पर्टिकुलर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग HTML, CSS, JavaScript इस चैनल पे सीख पाए। मैं यहाँ पे हर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हर एक छोटे छोटे एग्जांपल विद ब्रीफ व्यू मैं आपको समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।